हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी सेना ने छीना इमरान सरकार का हक, अपनी पसंद के नदीम को बनाया ISI का चीफ। जी हां दोस्तों, इमरान खान यानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की एक भी ना चली। जी हां दोस्तों, बताएंगे बड़ी खबर आ रही है, साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में शिया सुन्नी आपस में भिड़े, बताएंगे वन भूमि कब्जाने को लेकर खूनी संघर्ष में इतने लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है अभी की, साथ ही बताएंगे जहां भारत व अमेरिकी सेना ने एक संयुक्त युद्धाभ्यास में CIED और CUAS का लिया साझा प्रशिक्षण। जी हां दोस्तों, क्या है खबर बताएंगे आपको, साथ ही आगे बताएंगे जहां पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने लालू पर बड़ा पलटवार किया है। दोस्तों कहा वो चाहे तो गोली मरवा दे, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी बात दोस्तों नीतीश कुमार ने लालू यादव को लेकर कही है, बताएंगे पूरी बात क्या है, पूरा मुद्दा क्या है दोस्तों, साथ ही आपको आगे बताएंगे। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के मैं आ रहा हूं बयान का मतलब बताया है। दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे क्या कहा योगी जी ने, क्या मतलब निकालते हुए इसका सबको बताया है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर योगी सरकार ने दी बड़ी राहत कोरोना काल को लेकर। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए बहुत जरूरी खबर, जो काम की बात है आपको बताएंगे। ट्रेन से यात्रा करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी बात है दोस्तों, नहीं तो हो सकती आपको परेशानी। साथ ही अगर आप भी अपने बच्चों को बाइक पर लेकर जाते हैं दोस्तों, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है बाइक पर बच्चे को ले जाने का नियम। तो दोस्तों हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले, इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य ताकत बल क्षमता पराक्रम है दोस्तों, जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है। साथ ही मोदी जी तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी सेना ने छीना इमरान खान सरकार का हक, अपनी पसंद के नदीम को बनाया ISI चीफ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने 26 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को इंटेलिजेंस यानी ISI का नया प्रमुख बनाए जाने की जानकारी दी है। नदीम अंजुम को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा का करीबी बताया जाता है, लेकिन वो इमरान खान की पसंद नहीं है। जी हां दोस्तों, ISI प्रमुख की नियुक्ति को लेकर पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच 20 दिनों से रार ठना हुआ था, और अंततः इस रार में सेना द्वारा चुने गए अधिकारी पर PM ऑफिस ने अपनी मोहर लगा दी है। बताते हैं कि सेना ने 6 अक्टूबर को घोषणा की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख होंगे, लेकिन अब तक PM ऑफिस ने नियुक्ति को लेकर आधिकारिक सूचना जारी नहीं की थी। इसे लेकर इमरान सरकार और सेना के बीच तनाव की रिपोर्ट्स आई थी दोस्तों, लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है, जहां पर 19 अक्टूबर को फवाद चौधरी फिर से मीडिया के सामने आए और कहा कि ISI चीफ की नियुक्ति को लेकर सभी मसलों को सुलझा लिया गया है और जल्द ही नए प्रमुख की नियुक्ति की घोषणा की जाएगी, और आज यानी कल दोस्तों उस पर ऑफिशियल मुहर लगा दिया गया है, यानी कि इमरान खान की एक भी ना चली दोस्तों। और इससे यह साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री यानी लोकतंत्र की सरकार नहीं बल्कि सेना की सरकार है। जी हां दोस्तों, अगर आने वाले समय में आप भी मानते हैं कि तख्ता पलट होना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जब नहीं चलती किसी देश में दोस्तों, तो इसका मतलब है कि तख्ता पलट तय है। आपकी क्या राय सुझाव होगी इस खबर को लेकर, बताइएगा जरूर। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में शिया सुन्नी भिड़ गए, वन भूमि कब जाने को लेकर खूनी संघर्ष के बीच 11 की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हो गए। दोस्तों बता दे, पाकिस्तान की इमरान सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। अब देश के उत्तर पश्चिमी के कबायली इलाके के कुर्रम जिले में शिया व सुन्नी समुदाय के लोगों में जमकर संघर्ष हुआ। सोमवार से जारी संघर्ष में अब तक 11 लोग मारे गए और 15 घायल हो गए। बता दे NI के मुताबिक ये संघर्ष वन भूमि पर पेड़ों की कटाई व जमीन पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ था। खूनी संघर्ष के दौरान भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां पर अलास्का से जुड़ी खबर, भारत व अमेरिकी सेना ने एक संयुक्त युद्धाभ्यास में CUAS का साझा प्रशिक्षण किया है। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिकी सेनाओं ने अलास्का क्षेत्र के प्रशिक्षण इलाके यानी ESTA में एक संयुक्त युद्धाभ्यास में सर्वोत्तम विस्फोटक डिवाइस रोधी यानी
CIED और मानव रहित एरियल प्रणाली जिसे CUAS का प्रशिक्षण लिया। दोस्तों इस दौरान अमेरिका के नागरिक व सैन्य विशेषज्ञों ने भारतीय सैनिकों को मध्यम खदान सुरक्षा वाहन और खदान सुरक्षा वाहन द बफेलो का प्रदर्शन किया। सेना द्वारा जारी बयान के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने CICT ग्रिड में इस्तेमाल होने वाली CIED के अपने तरीकों का प्रदर्शन किया है। ये साझा प्रशिक्षण IED का पता लगाने, संभालने और हटाने के लिए भी आयोजित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर चीन ने शुरू की है तालिबान पर पैसों की बरसात। अब तक 7.5 करोड़ रुपए दे दिए और 37.5 करोड़ देने का वादा अभी भी बाकी है। बता दे चीन ने एक बार फिर तालिबान नेताओं से मुलाकात की है। चीन के विदेश मंत्री वांग ही दोहा में डिप्टी PM मुल्ला बरादर के साथ ही अपने अफगान समकक्ष अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने टोलो न्यूज से बात करते हुए कहा है कि चीन ने अब तक 7.5 करोड़ रुपए की मदद की है। उन्होंने आगे कहा कि चीन मानवीय सहायता, खासकर दवा और भोजन को लेकर 37.5 करोड़ रुपए और देने का वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। आपको बता दे दोस्तों कि तालिबान की मदद का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ। इसी से जुड़ी जो अगली खबर आ रही है, जहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन ने आतंकी सूची से हटने की जताई संभावना, जिसके बाद तालिबान एकदम से हो गया खुश। जी हाँ दोस्तों, तालिबान को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटाने की संभावना पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान से आतंकी संगठन खुश नजर आ रहा है। रूसी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक राष्ट्रपति ने इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लब की बैठक के दौरान तालिबान को आतंकी संगठनों की सूची से बाहर निकालने की संभावना जताई थी। हालांकि उन्होंने जोर दिया था कि ये काम संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ चाइना से पैसों का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, और दूसरी तरफ प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटाने की संभावनाएं मिल रही है दोस्तों। और ऐसे में क्यों ना आखिर तालिबान खुश हो, क्या होगी आपकी राय, सुझाव इस पर बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका से बड़ी खबर। पूर्व अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि ने कहा कि तालिबान से युद्ध में हार रहे थे हम, इसीलिए करना पड़ा समझौता। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान शांति वार्ता के लिए अमेरिका के पूर्व विशेष प्रतिनिधि जलमय खलील जाद ने कहा है कि अमेरिका तालिबान के हाथों हार रहा था, इसकी भरपाई के लिए उसने तालिबान से समझौते को एक अंतिम विकल्प के रूप में चुना था। उन्होंने CBS न्यूज से हुई चर्चा में कहा कि अमेरिकी सेना ने कई बार युद्ध के मैदान में खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब ही रही। जी हाँ दोस्तों, टोलो न्यूज के मुताबिक खलील जाद सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान के साथ जो हुआ समझौता केवल इस बात पर आधारित था कि अमेरिका वहां पर उनसे नहीं जीत सकता था, वहां पर वक्त भी हमारा साथ नहीं दे रहा था, इसीलिए बेहतर ये था कि अब या बाद में तालिबान से समझौता कर लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका जैसे सुपर पावर देश कहे जाने वाले देश की हालत एक तालिबानियों के सामने दोस्तों ठंडी पड़ गई। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या अमेरिका अब सुपर पावर रह गया है दोस्तों? क्योंकि जब अमेरिका को तालिबानियों ने हरा दिया तो तालिबान ही सुपर पावर हो गए। क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर। और अब हर देश ही सुपर पावर हो गया है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर फूटा जम्मू कश्मीर BJP चीफ का गुस्सा। कहा ऐसे लोगों को होनी चाहिए जेल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर BJP प्रदेश अध्यक्ष ने मंगलवार को PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर तालिबानी विचारधारा रखने का आरोप लगाया, और इसी के साथ इन्होंने कहा कि जो कोई भी T20 विश्व कप मैच में भारत की हार पर और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाएगा उसे देश के खिलाफ साजिश करने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। क्या आप इन BJP प्रदेश अध्यक्ष की बात का समर्थन करते हैं दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर नेपाल से खबर आ रही है, जहां पर नेपाल में बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री देउबा ने कहा कि राहत के लिए विदेशी मदद लेने में संकोच नहीं करेगी सरकार। बता दे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कहा कि बेमौसम बारिश की वजह से देश में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत कार्यों में मदद के लिए उनकी सरकार वैश्विक मदद मांगने में संकोच नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अधिकारियों ने बताया है कि यहाँ पर अब तक कम से कम 111 लोगों की जान प्राकृतिक आपदा के कारण जा चुकी है, तो वहीं 3 प्रांतों में करीब 7.2 अरब नेपाली रुपए मूल्य की धान की फसल नष्ट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कम 40 लोग अब तक लापता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी
खबर की ओर, जहां पर कश्मीर पर भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की नई चाल ISI ने बनाया एक खतरनाक प्लान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने सभी दूतावासों को फैक्स मैसेज के जरिए 27 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रमों की लिस्ट भी भेजी है दोस्तों। साथ ही इसके लिए खास फंड भी सैंक्शन किया है। आप सभी को बता दें कि इन सभी देशों में कश्मीर पर वेबिनार और इवेंट कराने को कहा गया है, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ फर्जी मानवाधिकार हनन के मामलों को हाईलाइट किया जाएगा। सभी धरना प्रदर्शनों को उन देशों की मीडिया में बेहतर कवरेज मिले, इसके लिए भी प्लानिंग बनाने के लिए कहा गया है। इन धरने प्रदर्शनों को सफल बनाने के लिए इस्लामाबाद से सभी पाकिस्तान दूतावासों को फंड भी भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें दुनिया भर में भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का खुलासा है दोस्तों। भारत के खिलाफ कश्मीर पर झूठ फैलाने के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में फैले अपने हाई कमीशन और दूतावासों को काम में लगा रहा है दोस्तों। यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए सभी देशों में भारत के कश्मीर के खिलाफ दोस्तों मैसेज, पोस्ट सब भेजने की और सारी चीजें अपलोड करने के लिए ISI ने खतरनाक प्लान बनाया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं इनका प्लान कभी सफल नहीं हो पाएगा तो आप भी ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मानते हैं सही में तो जिन भाई और बहनों ने वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तरी नाइजीरिया की एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों पर बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ बरसा दी गोलियां, जिसमें 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें उत्तरी नाइजीरिया के नाइजर राज्य की एक मस्जिद में मोटरसाइकिल पर सवार हथियार बंद बदमाशों ने कम से कम 18 लोगों की हत्या कर दी। दो स्थानीय निवासियों ने सोमवार को मीडिया को यह जानकारी दी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां पर ईरान में खड़ा हुआ ईंधन संकट, देश के पेट्रोल पंपों पर हैकर्स ने किया साइबर अटैक, गाड़ियों की लंबी लाइन लगती दिखाई दी। जी हां दोस्तों, ईरान में मंगलवार को पेट्रोल पंपों पर साइबर हमले का सामना करना पड़ा। इस वजह से ईंधन सब्सिडी का प्रबंधन करने वाला एक सरकारी सिस्टम बंद हो गया। तो वहीं बंद पड़े पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनों में लोगों को लगे हुए देखा गया। अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि एक महीने पहले भी इसी तरह के हमले हुए थे। इसे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को सीधे चुनौती के तौर पर देखा गया। ईरान पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जो अगली खबर आ रही है ईरान से ही जुड़ी, जहां पर इसराइल से मुस्लिम देशों के रिश्ते पर भड़के ईरानी सुप्रीम लीडर, कहा ये तो पाप है। जी हां दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इसराइल के साथ अरब देशों के संबंधों पर आपत्ति जताई है दोस्तों। उन्होंने बीते रविवार को कहा कि पिछले साल इसराइल के साथ जिन अरब देशों ने संबंध सामान्य कर लिए हैं उन्होंने पाप किया है और इन देशों को अपने फैसलों को बदल लेना चाहिए। जी हां, अली खामेनेई ने इसराइल का जिक्र करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ सरकारों ने गलतियां की हैं, बड़ी गलतियां की हैं और इसराइल के दमनकारी प्रशासन के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने का पाप किया है। यह इस्लामिक एकता के खिलाफ किया गया काम है। उन्हें इस रास्ते से वापस लौटना चाहिए और अपनी इस बड़ी गलती की भरपाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुस्लिम एकता को हासिल कर लिया जाता है तो फिलिस्तीन विवाद को निश्चित रूप से काफी अच्छे तरीके से हल कर लिया जाएगा। ऐसे में ईरान की इस बात को लेकर आपकी क्या राय, सुझाव होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर लांजू में लगाया गया लॉकडाउन, यानी चाइना में लॉकडाउन लगा दिया गया है दोस्तों। चाइना के लांजू इलाके में जहां 4 लाख लोग घरों में हो चुके हैं कैद, बता दें चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना संक्रमण एक बार फिर से लौटने लगा है। चीन के कई प्रांतों में कोरोना के नए नए मामले सामने आ रहे हैं दोस्तों। अब ये खबर आ रही है कि चीन के लांजू शहर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया गया है। 4 लाख की आबादी वाले इस शहर में आपात स्थिति के अलावा लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां पर आखिर एर्दोगान गरज कर बरसे क्यों नहीं, पीछे खींच दिए अपने कदम। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगान ने पिछले हफ्ते जब अमेरिका समेत 10 देशों के राजदूतों को निष्कासित करने की घोषणा की थी तो इसे बहुत बड़े फैसले के तौर पर देखा गया था। कहा यह जा रहा था कि एर्दोगान ने टकराव का रास्ता चुना है और ये बेक फायर करेगा। एर्दोगान ने अपने विदेश मंत्रालय को आदेश दिया था कि वो 10 देशों के राजदूतों को जल्दी वापस भेजे, लेकिन तुर्की का विदेश मंत्रालय
सवाल है, कोई बीच का रास्ता निकालने में लगा हुआ था दोस्तों। एर्दोगान ने कहा था कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और 7 अन्य यूरोपीय देशों ने तुर्की के एक्टिविस्ट उस्मान कवाला को जेल से रिहा करने को लेकर संयुक्त बयान जारी करके तुर्की का अपमान किया है। लेकिन अब तुर्की का कहना है कि इन 10 देशों ने राजनयिक संबंधों में वियना कन्वेंशन को लेकर सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताई है, इसीलिए अब निष्कासन का फैसला वापस लिया जाता है। यानी कि दोस्तों तुर्की ने अपना ये कदम वापस खींच लिया। अगर आप भी मानते हैं कि तुर्की जैसे देशों को कोई वैल्यू नहीं देता तो ये बात अब कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसकी सहमति जताते हुए जितने भाई बहन इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि भारत की सिग और AK-203 राइफलों से घबराया पाकिस्तान, तुर्की से अब लेने लगा MPT-6। जी हां दोस्तों, बता दें भारतीय सेना के अमेरिका और रूस से अत्याधुनिक राइफल खरीदने के बाद पाकिस्तान की सेना टेंशन में आ गई है दोस्तों। और ये वही वजह है कि पाकिस्तान सेना अब अपने आकाश तुर्की के शरण में पहुंच गया है दोस्तों। पाकिस्तानी सेना तुर्की से MPT-6 राइफल और उसकी गोलियां खरीदना चाहती है ताकि भारत की बेहद घातक राइफलों को टक्कर दिया जा सके। चीन के बाद तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने ये राइफल अमेरिका और रूस से खरीदा है दोस्तों, जो कि नंबर वन देश माने जाते हैं दोस्तों हथियारों को सप्लाई करने में और हथियार की क्वालिटी में दोस्तों, ऐसे में तुर्की के ये MPT-6 इन भारत के हथियारों के सामने कुछ भी नहीं दोस्तों। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर जिस TLP ने पाकिस्तान को दंगों की आग में झोंका उसी के सामने इमरान सरकार ने मानी हार, 350 सदस्यों को कर दिया रिहा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की वापसी की 600 साल पुरानी भविष्यवाणी क्या सच हो गई है दोस्तों। बता दें कि पहले राष्ट्रपति की बेटी बन गई है हिंदू। बता दें इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी और 5वें राष्ट्रपति मेगावती सुकर्णो पुत्री की बहन सुगमावती सुकर्णो पुत्री ने आज इस्लाम का त्याग कर दिया और उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। इसके साथ इंडोनेशिया में 600 साल पुरानी उस भविष्यवाणी के सच साबित होने की बात की जाने लगी है जिसमें कहा गया था कि मैं वापस आऊंगा और हिंदू धर्म फिर से लौटेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहाँ जम्मू कश्मीर से खबर, बांदीपोरा में ग्रेनेड हमला, गाड़ियों के टूटे शीशे जिसमें कई नागरिक हो गए घायल। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा के सुम्बल पुल इलाके में मंगलवार को आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके में कई वाहनों के शीशे टूट गए। अचानक हुए इस हमले के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। हमले की सूचना के बाद सुरक्षा बल इलाके में पहुंच गए और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के संकट के बीच बड़ी खबर, पूरी होती नहीं दिखाई दे रही माइक्रोचिप का बड़ा उत्पादक बनने की यूरोपियन यूनियन की महत्वाकांक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन यानी EU ने अपने यहाँ माइक्रोचिप्स के उत्पादन की बड़ी महत्वाकांक्षा जताई है। वो चाहता है कि इसके लिए वो उतना निवेश करे जितना अमेरिका में किया जा रहा है। लेकिन EU के भीतर निर्णय की धीमी प्रक्रिया और EU के अपने प्रतिस्पर्धा संबंधी नियमों की वजह से उसकी ये महत्वाकांक्षा फिलहाल पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहाँ पर एलन मस्क ने सभी बिजनेसमैनों का रिकॉर्ड तोड़ दिए दोस्तों। बता दें एलन मस्क की संपत्ति में रातों रात बेतहाशा बढ़ोतरी, सिर्फ मात्र 24 घंटे में 2.71 लाख करोड़ कमाकर रच दिया इन्होंने इतिहास। के लिए कांग्रेचुलेशन एलन मस्क कह दीजिएगा कमेंट में दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर कोवैक्सीन को 24 घंटों के अंदर मिल सकती है आपात इस्तेमाल की मंजूरी, WHO प्रवक्ता मार्गिट हैरिस ने यह बात कही है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह की कल होने वाली इस बैठक में ये तय होगा कि भारत में बनी कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर CM नीतीश कुमार का लालू यादव पर बड़ा पलटवार, कहा वो चाहे तो गोली मरवा दें, इसके सिवा वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, बिहार में उपचुनाव के करीब आते ही सियासी बयानों का दौर शुरू हो गया है। RJD प्रमुख लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। लालू यादव ने कहा था कि 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वो प्रचार करेंगे। इसके साथ इन्होंने कहा था कि ये भी सुनिश्चित करेंगे
करेंगे कि एनडीए और नीतीश कुमार का विसर्जन हो सके इस मामले को लेकर अब नीतीश कुमार ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर लालू चाहे तो गोली मरवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पत्रकारों द्वारा लालू के विसर्जन वाले बयान को लेकर पूछे सवाल पर नीतीश ने कहा कि गोलियां मरवा दे, बाकी कुछ नहीं कर सकते, अगर चाहे तो गोली मरवा सकते हैं और कुछ कभी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने आखिर क्या कहा था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि मैं अस्वस्थ था और हिरासत में होने के कारण दो चुनाव में प्रचार नहीं कर सका, हालांकि मैं अब उपचुनाव में प्रचार करूंगा। 27 अक्टूबर को मैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जनसभा करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव में आरजेडी के लिए प्रचार करूंगा और सीएम नीतीश कुमार और एनडीए का विसर्जन सुनिश्चित करूंगा। जिसके जवाब में दोस्तों सीएम नीतीश कुमार ने यह बड़ा पलटवार किया है लालू यादव पर। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा। जरूर बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश के मैं आ रहा हूं का मतलब है अराजकता और गुंडागर्दी को प्रोत्साहन देना। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मैं आ रहा हूं बयान का मतलब प्रदेश में फिर लूटपाट, अपहरण, व्यवस्था हीन अराजकता और दंगाइयों को प्रोत्साहन देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेकिन अब ये संभव नहीं है क्योंकि प्रदेश अब बदल चुका है। भाजपा के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मंगलवार को लोधी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। आपसे मैं दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अब किसकी सरकार बनने वाली और कौन होने वाला है मुख्यमंत्री, बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट में। देखते हैं क्या विचार रखती है उत्तर प्रदेश को लेकर भारत की हमारी जनता। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर योगी सरकार ने दी है सबसे बड़ी राहत। कोरोना काल में दर्ज 3 लाख मुकदमे वापस, किसानों को बर्बाद फसल का भी मुआवजा देगी योगी सरकार। बता दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को मंगलवार को बड़ी राहतें दी हैं। एक तो आम आदमी पर कोरोना काल में दर्ज हुए 3 लाख से ज्यादा मुकदमों की वापसी का आदेश जारी कर दिया। दूसरी ओर बेमौसम बरसात और बाढ़ से बर्बाद फसलों का 90,000 से ज्यादा किसानों को 35 जिलों में मुआवजा देने के लिए 30,54,00,000 रुपए की धनराशि जारी कर दी है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर बड़ी ही काम की बात दोस्तों। ट्रेन से यात्रा करने वाले जान ले ये जरूरी बात नहीं तो हो सकती है बड़े परेशानी। आपको बता दें रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है दोस्तों, जिसमें लिखा है कि जिम्मेदार रेल यात्री बने, सुखद एवं आरामदायक यात्रा हेतु सीमित सामान लेकर ही यात्रा करें ताकि ट्रेन के अन्य सह यात्रियों को परेशानी ना हो, अत्याधिक सामान होने पर उसे लगेज यान में बुक कराकर भेजे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे सामान को पार्सल के जरिए बुक करके भेजने की सुविधा देता है। अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो उन्हें पार्सल के जरिए भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास स्लीपर क्लास का टिकट है तो 50 किलो तक सामान साथ लेकर यात्रा कर सकते हैं, जबकि एसी फर्स्ट क्लास के टिकट पर यह सीमा 70 किलो तय हो गई है। इससे अधिक सामान ले जाने के लिए आप रेलवे की पार्सल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब अगर रेलवे ऐसी बात कह रहा है दोस्तों तो जाहिर तौर पर इससे ज्यादा अगर आप सामान लेकर जाते हैं तो कोई ना कोई एक्शन रेलवे जरूर लेगी। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों इस रेलवे के बयान को लेकर, बताइएगा जरूर क्या विचार रखते हैं दोस्तों आप लोग। बात करें अंतिम बड़ी खबर की, जहां पर अगर आप भी अपने बच्चे को बाइक पर लेकर जाते हैं दोस्तों, वो भी बिना हेलमेट के, तो आपके लिए बड़ा नियम है दोस्तों, नया नियम लेकर आया है केंद्र सरकार। क्रैश हेलमेट लगाना जरूरी और इतनी रखनी होगी बाइक की स्पीड। दरअसल आपको बता दें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में सुधार किए गए हैं दोस्तों। ये सुधार मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर है। इस धारा में एक प्रावधान ये है कि केंद्र सरकार अपने नियमों के जरिए मोटरसाइकिल पर सवारी करने वाले या ले जाए जा रहे 4 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के उपाय उपलब्ध करा सकती है। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नए नियम बताए हैं। हालांकि अभी ये मसौदा नियम है लेकिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आप नितिन गडकरी जी का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल चालक के साथ अटैच करने के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाएगा और यहाँ सुरक्षा उपकरण के तौर पर हेलमेट को माना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमने बाकी ये नियम स्क्रीन पर भी दे दिया है दोस्तों, आप पढ़ पा रहे होंगे। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन
बटन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, साथ देने के लिए। जय हिंद।